जी आई टी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज एक बैलेंस शीट की एंट्री करना हम लोग सीख रहे हैं और इस बैलेंस शीट की एंट्री के साथ साथ हम लोग ग्रुप लेजर बनाना भी इजिली सीख जाएंगे। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नई कंपनी बनाते हैं। हमारी कंपनी का नाम है आलोक कुमार अनूप कुमार ब्रदर्स। इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ आने के बाद हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, कंपनी बनाना सबको आता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब आलोक कुमार का हमें एड्रेस देना है, तो हम अपने नोट्स में आ जाएंगे और यहाँ पे एड्रेस देंगे मुजौली बाजार। देखिए कभी भी एड्रेस एक लाइन में आपको नहीं भरना है, आपको भरना है मुजौली बाजार। यहाँ से कॉपी और यहाँ टैली में आके पेस्ट। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन में आपको आना है और सेकेंड लाइन हमारा खड्डा पडरौना कुशीनगर। ये खड्डा और पडरौना एक साथ कॉपी कर लिया और नीचे भर दिया डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। बात समझ में आ रहा ना? अगर सब कुछ कैपिटल में है तो आपको इसको भी कैपिटल करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा। हमने भर दिया डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। जिला का नाम भरना बहुत जरूरी होता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर हमेशा लिखना है आपको। स्टेट आपको करना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश करने के बाद पिन कोड भर देना है 274304। बाकी जो इन्फॉर्मेशन सब भर लेंगे आप। भरने के बाद यहाँ पे आपको करना है 1/4/2020। इसको कर लेना कंट्रोल से एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद चूंकि इस कंपनी में जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए जीएसटी को हमने कर दिया यहाँ से नो और कंट्रोल से कर दिया सेव। अब बैलेंस शीट हमें ड्राफ्ट करना है। यहाँ पर कैसे करेंगे, हम सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आ जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आने के बाद हमें यहाँ पे लेजर्स पे जाना है और हम मल्टी क्रिएट विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आपको मिल जाएगा मल्टी क्रिएट, और मल्टी क्रिएट ऑप्शन में आने के बाद ऊपर आपको सेलेक्ट करना है आल 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 ग्रुप आल आइटम। नेम ऑफ आइटम आपको भरना है। तो सबसे पहला जो लेजर है आपका वो है ओपनिंग कैपिटल। तो आप यहाँ केवल कैपिटल अकाउंट एक बनाएंगे। ठीक है, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद टैली हमने कर दिया इसको पेस्ट। कैपिटल का ग्रुप क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का बैलेंस हमारे पास कितना है, अब देखो ये सारा कैलकुलेशन पिछले साल का था, तो सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास कैपिटल कितना बच रहा है, यही वैल्यू हम यहाँ भरेंगे। क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन तो पिछले महीने का है, तो इसकी एंट्री इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये सारा रेशियो तो पिछले महीने साल हो गया। अब हमको ये बता दें कि हमारे नए साल में कैपिटल कितना है, 30,14,424 रुपये 61 पैसे। यही फिगर हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम टैली में आके कर देंगे पेस्ट। तीस 14,424 रुपए और 61 पैसे, ये हो गया कैपिटल, हो गया। उसके बाद ओडी फ्रॉम बैंक, आप यहाँ लिख लेंगे ओडी फ्रॉम बैंक। इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप होगा सिक्योर्ड लोन। और यहाँ पे बैलेंस कितना भरना है, 64,957 रुपये, 64,957। और देखिए इसमें क्या क्या है। नेक्स्ट है संडी क्रिएटर। ठीक है, संडी क्रिएटर का आपका बैलेंस कितना हो जाएगा, तो देखो संडी क्रिएटर क्या है, ग्रुप का नाम। संडी क्रिएटर मतलब क्या होता है, सप्लायर। संडी क्रिएटर मतलब क्या होता है, सप्लायर। तो यहाँ संडी क्रिएटर के नाम से हम लेजर नहीं बनाएंगे, हम सीधे लिख देंगे सप्लायर। ठीक है, और इसका ग्रुप क्या रखेंगे, संडी क्रिएटर। बैलेंस कितना रखेंगे, 18,45,400। बैलेंस ध्यान से देखना, कुछ गलती होगी बता देना। यहाँ बिल वाइज एंट्री पूछेगा, कुछ नहीं करना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद है ऑडिट फी पेबल कितना, 5,000 रुपये। इसको कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको कर लेंगे पेस्ट। ये क्या हो जाएगा, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज हुआ होगा, कितना है, 5,000। उसके बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से लिया गया पैसा जो एडवांस हम ले रहे हैं वो भी हमारे बिजनेस की प्रकार की क्या होती है, लाइबिलिटी। तो इसका खाता हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके कर लेंगे टेस्ट। ये भी हमारे बिजनेस की करंट लाइबिलिटी होगी।
और यहाँ पे बैलेंस कितना भरना है, उनतालीस बावन 408 रुपये 4 पैसा, 39 52 408 रुपये 14 पैसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी साइड की सारी एंट्री हो गई। एक बार इतना ही सेव करके हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट कैसा दिखता है। हमने केवल इतना सेव कर दिया, सेव करने के बाद वापस आ गए और बैलेंस शीट को जब हम चेक करेंगे तो हमें एक साइड का बैलेंस हमको दिखाई देगा। एक साइड का टोटल बैलेंस हम यहाँ देख लेंगे, 88,82,179 रुपये 75 पैसे। इसको एक बार मैच करा लेंगे, 88,82,179 रुपये 75 पैसे, एक साइड का बैलेंस पूरा। चलिए अब हमें दूसरे साइड का बैलेंस बनाना है, फिर वही जुगाड़ लगाएंगे हम लोग क्रिएट पर। क्रिएट पे जाने बाद लेजर पर, सॉरी हम लोग को जाना है कहाँ पे, मल्टीपल बनाना है, हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर, लेजर पर और मल्टी मास्टर मल्टी क्रिएट। चलिए आधा हिस्सा हमारा बन गया, उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम एसेट साइड का बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर, और इसका सारा प्लस माइनस होने के बाद बैलेंस कितना बच रहा है, 20,664 रुपये 90 पैसे। तो बस 20,000 इसको हम रखेंगे फिक्स एसेट, 20,664, दूसरा जो हमारा है वो है मोटर व्हीकल मोटरसाइकिल, इसको कर लिया हमने कॉपी, और ये भी हमारे बिजनेस का क्या है, फिक्स एसेट्स है, इसको भी किस ग्रुप में रखेंगे, फिक्स एसेट्स में। इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 29,607 रुपये 20 पैसे। तीसरा व्हीकल, व्हीकल का बैलेंस कितना हो जाएगा, 290,100। कितना पैसा है, 75। वकील के बाद अब हमारे पास करंट एसेट में क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास RCCPL प्राइवेट लिमिटेड का है, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमने इसको कर दिया पेस्ट, और ये हमारा क्या है, सन्डी डेटर्स, और इसका बैलेंस कितना है, ये है हमारा 6,873 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, बिरला कॉर्पोरेशन को हमने डिपॉजिट किया है, और हमने कल आपको बताया था कि अगर किसी कंपनी को हम डिपॉजिट करेंगे, अगर हम किसी कंपनी के पास अपना पैसा जमा करेंगे, चाहे डीलरशिप लिए हो चाहे रेंट के लिए हो, उसको हम रखते हैं किसमें, डिपॉजिट एसेट्स में, कल बताया गया था ना, इसका ग्रुप हम क्या रखेंगे, डिपॉजिट एसेट्स। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे डिपॉजिट एसेट्स, ये हो गया डिपॉजिट एसेट्स। कितना बैलेंस है इसका, 443,957। उसके बाद नेक्स्ट अब क्या है, स्टॉक इन हैंड, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि स्टॉक का विवरण अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सन्नी डेटर्स का है, ठीक है, तो सनी डेटर्स मतलब क्या होता है, कस्टमर, हम कस्टमर के नाम से यहाँ खाता बनाएंगे, और कस्टमर पर भी पैसा कितना बकाया है, उसका बैलेंस यहाँ पर है, यानी हमने अपने कस्टमर को 14,56,505 रुपये के उधार में गुड्स सेल किया है, तो हम लिख देंगे 14,56,505। टीडीएस 19-20 का 2,418 रुपये, हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम बनाएंगे टीडीएस 2019-20, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स, इसका बैलेंस कितना है, 2,418 रुपये। फिर हमारे पास आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये भी हमारे लिए क्या है, करेंट एसेट्स, इसका बैलेंस कितना है, 7,53,879। उसके बाद नेक्स्ट, पीएनबी का करंट अकाउंट है, तो हम लिख देंगे पीएनबी
करेंट ऑब्लिक अकाउंट, और ये किस में चला जाएगा? बैंक अकाउंट। हम बताए थे करंट का सारा खाता कहाँ जाता है? बैंक अकाउंट में। कितना बैलेंस है? 34,182.40। फिर उसके बाद हमारा है बीयूपी बी करेंट अकाउंट, इसको हमने कर लिया कॉपी और कर दिया टेस्ट। ये भी किस में जाएगा? बैंक अकाउंट के भीतर। इसका बैलेंस कितना है? 29,348.40। तीसरा सीबीआई करंट अकाउंट, सेंट्रल बैंक के करंट अकाउंट में कितना है? 2,243.96। उसके बाद एसबीआई के सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है? 19,074.72। उसके बाद कैश इन हैंड, ये तो बनाना नहीं है, ये तो पहले से बना बनाया होता है, इसका केवल अल्टर करके बैलेंस बनना होता है। हमने कर लिया एक्सेप्ट, कोई बात नहीं, अभी डिफरेंस आएगा ठीक कर लेंगे उसको हम। अब हम लेजर में जाएंगे, और लेजर में जाने के बाद अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और कैश का बैलेंस हम यहाँ पर भर देंगे। कैश का बैलेंस कितना है? 83,282.73। किसका बैलेंस गड़बड़ हो गया था? एसबीआई का चेक कर लेते हैं। 1,974.72 हमने भरा है। उसके ₹1 इधर पैसा इधर नहीं करना है। अब इसका चेक करना जो बैलेंस शीट एंट्री किया वो सही है कि नहीं। हम तो आ जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आने के बाद अल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे। देखो जितना स्टॉक है उतने का डिफरेंस आना चाहिए। स्टॉक हमारे पास 57,11,000 का है, एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे 57,11,062.42, उतने का ही डिफरेंस यहाँ पर आना चाहिए। जब स्टॉक की एंट्री हम कर देंगे तो सारा का सारा बैलेंस हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। आप जिसका करेक्शन नहीं हो पा रहा उसके लिए देखिए, जो ये कह रहा है कि हमारा लेजर करेक्शन नहीं हो पा रहा है, जैसे मान लो फर्नीचर और फिक्सचर में करेक्शन करना था तो पहले यहाँ क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल के साथ इंटर मॉडिफाई मोड में आ गया। यहाँ जो चेंजेस करना है चेंज कर सकते हैं, यहाँ स्पेलिंग चेंज करना है, ये लास्ट में वैल्यू में चेंज आना है तो यहाँ आके टाइप कर दीजिए। डिलीट करना है तो अल्ट के साथ डी बटन दबाइए, आ गया ऑप्शन अल्ट के साथ डी, और यस कर देंगे डिलीट हो जाएगा, नहीं करेंगे डिलीट नहीं होगा। आप किसी कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, और यही आपका टेस्ट है। लैब में कोई आपका हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद से बैलेंस शीट की एंट्री करनी है। एंट्री करने बाद बैलेंस शीट खोलना है और इसका फोटो बैग पर छपे हुए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। बस नया, तब शाम को जब हम खाली रहेंगे तो सबका चेक कर लेंगे, सबका बैलेंस शीट सही बना या नहीं। आज ही करना है ये शुभ काम, आज ही करना है, इसके लिए ब्रह्मा जी को अलग से टाइम नहीं देंगे। जिसका आज एंट्री हो जाएगा वो कल की क्लास में बैठेगा, और जिसका एंट्री नहीं होगा उसको उसकी हम आरती उतारेंगे कल। समझ में आ रहा ना? आरती उतारने मतलब समझते हैं ना, उसको प्रेम से पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक,